नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम क्राइम की दुनिया में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम आपको गैंगस्टर की कहानियाँ सुनाएंगे, गैंगस्टर के बारे में बताएंगे कि गैंगस्टर कोई क्यों बना, कैसे बना, उन्होंने क्या क्या क्राइम किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपने रॉबिन हुड का नाम सुना होगा, लेकिन रॉबिन हुड राजस्थान का हो तो फिर क्या कहने। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के रॉबिन हुड कहे जाने वाले आनंद पाल की। आनंद पाल गैंगस्टर क्यों बना, कैसे बना, आज हम इसी की बात करेंगे। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल, जो कि लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वांछित आरोपी था, राजपूत समुदाय के लोग उसे अपना मसीहा मानते थे। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। आनंद पाल बहुत ही खूंखार था। कहा जाता है कि लोगों को किडनैप करने के बाद वो एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सावरात का रहने वाला था। आनंद पाल को पकड़ने के लिए शहर किलों में तब्दील कर दिए जाते थे और पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, नए नए हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी पुलिस को, ताकि उसको काबू किया जा सके। मगर आनंद पाल इतना शातिर था कि वो पकड़े जाने के बाद भी जो जेल की सलाखें होती थी वो उसके लिए नरम पड़ जाती थी और वो आसानी से बाहर निकल जाता था। या यूँ कहा जाए कि उसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुलिस को जैसे जैसे नए तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी, मगर फिर भी पुलिस उसे पकड़ने, उसे कैद करके रखने में नाकामयाब रहती थी। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सावरात का रहने वाला था। आनंद पाल पढ़ा लिखा बहुत था। उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन वह शिक्षक बनने के बजाय जुर्म की दुनिया में आ गया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वह लिकर किंग बनना चाहता था। उसी सनक में उसने डीडवाना में जीवन राम गुदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवन राम उसका वह दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। वैसे तो आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था, मगर वोटों, जब पंचायती चुनाव हुए तो वो 2 वोटों से हार गया और ये हार उसको बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके आनंद जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता गया। साल 2006 में वह अपराध की दुनिया में आ गया। इसके बाद वह एक के बाद एक जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल बहुत ही खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। आनंद पाल की गैंग में 100 से भी ज़्यादा लोग थे और सन 2015 में वो पुलिस को नशीली दवाई खिलाकर जेल से भी फरार हो गया था। वैसे कहा जाता है कि जेल की सलाखें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, वो कब जेल से फरार हो जाए कुछ नहीं पता होता था। उसने एक तरह से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस को नशीली दवाई खिलाकर कब फरार हो जाता था किसी को कुछ नहीं पता चलता था। राजस्थान पुलिस लगातार आनंद पाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चला कि चूरू जिले के मौलासर गांव में आनंद पाल छुपा बैठा है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया गया। कहा जाता है कि आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसका शव उठाने के लिए भी पुलिस डर रही थी। यहाँ तक कि उसके पास जाने से लोग घबराते थे, पुलिस वाले घबराते थे।
उन्होंने एनकाउंटर किया, उसके बावजूद वो उसका शव उठाने से भी घबरा रहे थे। अगर आनंद पाल के पहले की बात करें तो वो स्टाइलिश तरीके से जीने का आदि था। उसकी दोस्ती स्टाइलिश डॉन अनुराधा के साथ में थी। आनंद पाल एकदम स्टाइलिश तरीके से जीने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो सिर पर हैट लगाता था, लेदर जैकेट पहनता था, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाते थे तो वह हीरो स्टाइल में मीडिया के सामने जाकर के अपनी फ़ोटो क्लिक करवाता था, यानी कि अलग अलग पोज दे करके वो अपनी फ़ोटो क्लिक करवाता था। कोर्ट जाते वक्त मीडिया उससे कभी भी मुखातिब होती तो वो अपने अलग अलग अंदाज में उनके सामने पेश आता था। उसका अपना फेसबुक पेज था और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव रहता था। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद इसका आतंक और भी बढ़ गया था। फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था आनंद पाल। जी हाँ, पढ़ा लिखा अच्छा होने के कारण वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था और एक तरह से राजस्थान पुलिस पर उसने बट्टा लगा दिया था कि राजस्थान पुलिस उसे पकड़ने में अधिकतर बार नाकामयाब रही और अगर वो पकड़ा भी गया तो वो फरार हो जाता था। तो राजस्थान पुलिस के लिए वो गले की हड्डी बना हुआ था एक तरह से। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसी ने अंजाम दिया था और कोर्ट ने उसे 8 मामलों में भगोड़ा घोषित किया था। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। आनंद पाल की मौत के बाद भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसके परिवार वालों ने उसको मसीहा मानने वाले राजपूत समाज ने पुलिस का, सरकार का काफ़ी विरोध किया। आनंद पाल जो कि मरने के बाद भी जनता के दिलों में मौजूद था, लोगों ने उसके लिए धरने दिए। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने उसकी लाश लेने से भी मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर IPS दिनेश MN के नेतृत्व में किया गया था। आनंद पाल का शव 3 हफ्ते तक डीप फ्रीजर में रखा गया। लगातार 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखने के बाद सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर कोई भी समझने को तैयार नहीं था। परिवार वाले आनंद पाल के मर्डर की CBI जांच की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि आनंद पाल का जो एनकाउंटर किया है वो एक तरीके से मर्डर ही है। वो सरेंडर करने जा रहा था और उसका एनकाउंटर कर दिया गया, इसकी CBI जांच की जाए। इसलिए उन्होंने धरना भी लगाया। यहाँ तक कि जब उसके इन सब का विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए जो धरना लगाया गया उसमें 2 लाख लोग जमा हुए, तब सरकार के हाथ पैर फूल गए। ये सब देखकर कि आनंद पाल आज भी मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित है। राजपूत समाज का मसीहा कहा जाने वाला आनंद पाल आज भी लोगों को धरना देने के लिए मजबूर कर रहा है। 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी। अगले ही दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाज़त लेने के लिए अपने पास बुलाया। जब सरकार ने आनंद पाल के अंतिम संस्कार की इजाज़त लेने के लिए अपने पास में बुलवाया तो उस वक्त उसका पीछे से अंतिम संस्कार कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि परिजन सभी
सरकार से बातचीत करने के दौरान वहां मौजूद थे और सरकार ने ही पीछे से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद जब ये आरोप सरकार पर लगा, उसके बाद भी ये मामला काफी दिनों तक गरमाया रहा। काफी दिनों तक मामला गरमाने के बाद धीरे 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 अपने आप शांत हो गया। लोग धीरे धीरे आनंद पाल को भूलते चले गए। इस तरह से एक नामी गैंगस्टर, स्टाइलिश गैंगस्टर आनंद पाल का अंत हुआ। क्राइम की दुनिया में बस इतना ही। अगले एपिसोड में अगले किसी गैंगस्टर की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।